हाँ तो और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं अच्छे को तो पबजी न्यू स्टेट की वीडियो के साथ आगे हम लोग वापस वही बात करते हैं और फाइनली अपने वीक टू के स्टोरी मिशन अनलॉक हो चुके हैं। और इस वाली वीडियो में आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन दी है प्लस ऑल कन्फर्म लोकेशन बताई हुई है कि जहाँ पर आपको तीनों चीज़ें तीनों मिशन कम्प्लीट होंगे। तो भाई वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। बात करते हैं अपने पहले मिशन की जहाँ पर हम लोगों को मक्सॉट ऑफ पॉल पिक करना है और इसके लिए हम लोगों को भाई आ जाना है चेस्टर एरिया में। तो भाई चलो आपको लोकेशन दिखाता हूँ। हाँ तो भाई सबसे पहले आपको इस वाली बिल्डिंग में यानी जो पुलिस स्टेशन है चेस्टर में इसमें एंटर करना और यहाँ सामने की तरफ आपको पॉल्स मक्सॉट देखने को मिल जाएगा। और भाई यहाँ पर आपको टोटल ये 3 पिक करने जो इस वाली बिल्डिंग में आने के बाद आपके बहुत ही आराम से पिक हो जाएंगे। और अगर आपको इस फर्स्ट फ्लोर पर नहीं मिलता तो आप लोग भाई सेकेंड फ्लोर पर भी चेक कर सकते हो प्लस थर्ड फ्लोर पर भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेंगे प्लस रूफ में आप लोग चले जाओ। तो इस वाली बिल्डिंग में बस आप लोगों को आ जाना है और ये वाला मिशन आपका बहुत ही आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने सेकंड मिशन की तरफ। हाँ तो यार सेकंड मिशन कंप्लीट करने के लिए आपको पम्पकिन पाइस पिक करने और ये आपको हैरिस डिनर नाम के रेस्टोरेंट में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर भाई मैं पेनेरोज में आया हुआ और आप लोग जा सकते हो भाई मैसा कॉर्नवॉल हर जगह और इस तरह के रेस्टोरेंट में जाकर आपको पम्पकिन पाइस मिल जाएंगे जो आप लोग बहुत ही आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको एक लोकेशन दिखा दी प्लस दूसरी तरह का ये हैरिस डिनर कैसा दिखता है भाई वो भी आपको दिखाता हूँ। हाँ तो यार यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह की बिल्डिंग रहती है हैरिस डिनर की। तो यहाँ पर आप लोग एक हैरी डिनर रेस्टोरेंट में जा सकते हो और उसके बाद आपका सेकंड मिशन भी बहुत ही आराम से कम्प्लीट हो जाएगा। जस्ट लाइक आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो भाई कितने ज़्यादा पम्पकिन पाइज यहाँ पर रखे हुए। तो इसी के साथ भाई अपना सेकेंड मिशन भी हो जाता है कम्प्लीट। अब बात करते हैं अपने तीसरे मिशन की। तो भाई तीसरे मिशन में हम लोगों को पॉल्स न्यू स्टेट पोस्टर पिक करने और इसके लिए भाई मैं अभी एंकर विले पे आया हूँ और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस तरह का पोस्टर ये दिखता है। तो यार देखो अगर मेरी बात मानो तो भाई आप लोग एंकर विले पे मत आना बिकॉज एंकर विले में जो ये वाले घर हैं इनका स्पॉन रेट काफ़ी ज़्यादा कम है, मतलब 4 से 5 घर हैं जो इस तरह के दिखते हैं। तो इन वाले में तो आपका मिशन शायद से ही कम्प्लीट हो पाएगा, बट अगर आप लोग मैसा चले जाते हो या चेस्टर में ही रहते हो यानी पहला मिशन कंप्लीट करने के बाद वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरह के घर दिखते हैं, तो भाई वहाँ पर आप लोग रुक कर होल्ड कर कर ये वाला मिशन आराम से कंप्लीट कर सकते हो। हाँ तो यार अगर आपका एंकर विले पे भाई ये सारा मिशन नहीं कंप्लीट होता तो भाई सिंपल आप लोग मैसा आ जाना या कॉर्नवॉल चले जाना या चेस्टर चले जाना कहीं भी तो आपको ये वाले पोस्टर देखने को मिल जाएंगे। हाँ तो यार यहाँ पर अपने तीनों मिशन बहुत ही आराम से कंप्लीट हो चुके हैं एक ही मैच में। तो भाई आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताना। भाई चलते हैं अपनी लॉबी में तो वहाँ पर आपको दिखा देता हूँ अपने तीनों मिशन कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए हैं। हाँ तो यार यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अपने तीनों मिशन काफ़ी आराम से कंप्लीट हो चुके हैं एक ही मैच में प्लस आपको सारी कन्फर्म लोकेशन भी बता दें। तो भाई इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर से लाइक करना कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। मिलते हैं इसी साथ कल किसी न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।